हेलो गाइस, मैं हूँ मोहिनी और आप हो मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विथ माही पे। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं और आज मैं अपने बारे में थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो देना चाहती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश करती हूँ बहुत ही छोटा सा इंट्रो तो आपको अपने बारे में दे ही दूँ। मैं हूँ मोहिनी और मैंने रिसेंटली अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है एंड मैंने यूट्यूब चैनल तो काफी टाइम से बना रखा था, बट मैं कभी इस पे वीडियोज नहीं शेयर करती थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। मैं टाइम नहीं निकाल पाती थी अपने यूट्यूब चैनल के लिए। बट मेरा ये 1-2 साल से बहुत मन था कि यार मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, बिकॉज मुझे काफी सारे ब्यूटी के शौक है, आप शौक कह सकते हो। मुझे काफी सारा मतलब मेरा पैशन है, मुझे इन सब चीजों के लिए काफी अच्छा लगता है कुछ भी करना। और मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे ही चीजें शेयर करने वाली हूँ, कोई भी फेक चीजें नहीं करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं जिस चीज पे मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वही चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। तो गाइज, मुझे आप लोगों के बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज गाइज मुझे सपोर्ट करना। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चीजें अपने वीडियो पर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, तो प्लीज उसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं पूरा पूरा उस पर वर्क करने की कोशिश करूंगी। एंड गाइज, सो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना वीडियो, जिस चीज पर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, जिस चीज के लिए आप मेरे चैनल पे आए हुए हो। तो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैं आप लोगों से यहाँ पे जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ एंड जिस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, मैंने वीडियो में आपको बताया था कि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट फेस वॉश एंड बेस्ट स्क्रब। और ये एक्चुअली एक ही ब्रांड का है, तो इसमें आपको फेस वॉश भी मिल जाएगा, फेस स्क्रब भी आपको मिल जाएगा। तो जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूँ वो है मोहो। ये मोहो ब्रांड का है एंड ये काफी नेचुरल सा प्रोडक्ट है, ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ प्रोडक्ट है। ये हर्बल में आता है, कोई भी इसमें आपको केमिकल वाली चीजें नहीं मिलेंगी, कोई भी इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आपके स्किन पे। ये काफी स्मूथ सा टेक्सचर है इसका। एंड जो इसका स्क्रब है, अगर मैं स्क्रब के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ गाइस, तो ये काफी अच्छा है आपके कॉम्प्लेक्शन को, ये ग्लो करता है। जब भी आपका जो रियल में आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसे मेंटेन करने के लिए ये काफी अच्छा स्क्रब है। एंड ये हेल्थी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और अगर आप कोई स्क्रब यूज करते हो, तो आप नोटिस करते होगे कि 1-2 मिनट बाद आपकी स्किन पे काफी रेडनेस सी आ जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो काफी स्मूथ सा टेक्सचर है। जब आप इसे यूज करोगे तो आपको लगेगा कि ये तो स्क्रब है ही नहीं, ये तो पूरा पूरा फेस वॉश जैसा ही है। तो आपको ये फील होगा कि मैं तो फेस वॉश ही लगा रही हूँ, स्क्रब जैसा नहीं है। बट आप इसे 2-3 मिनट्स के लिए मसाज करना, मसाज करने के बाद आप इसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना अपने फेस पे, देन आप नॉर्मल वाटर से इसे वॉश करना। और इसका आप कोई भी मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे साथ इसका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं इसे 1.5 साल से यूज कर रही हूँ। और इसमें अगर कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करो तो इसमें वॉलनट है, ऑरेंज पील है, नटमेग है, ऑलिव है, रोज है, और भी इसमें काफी सारी चीजें हैं, तो आप पढ़ सकते हो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सारी चीजें, तो आप इसे पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बताने बैठूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो वीडियो तो अगर लंबी होगी तो फिर आप मुझे पहले ही वीडियो में गाली दे दोगे। तो मैं अगर इसके वेट की अगर मैं बात करूं तो ये 100 ग्राम का है और ये आपको मिल जाएगा 155 का। और जो इसका फेस वॉश है, ये अभी फिलहाल ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि विंटर चल रहे थे तो ड्राई स्किन वालों के लिए ही है ये फेस वॉश। इसका ऑयली स्किन के लिए भी है, अगर जब समर का सीजन आ जाएगा तो आप इसमें ऑयली स्किन के लिए भी ढूंढ सकते हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। ये आपके स्किन को क्लेंज रखती है, मॉइस्चराइज रखती है, ये भी आपकी प्रोटेक्ट करेगी आपके कॉम्प्लेक्शन को। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है नीम, कुकुम्बर, एलोवेरा, रोज, ये सारी चीजों से इसे बनाया गया है। और मेरे पास जो ये पैकिंग है ये 50 ml का है, जो मुझे 80 रुपीज में पड़ा, तो ठीक है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, आप इसे अफोर्ड कर सकते हो। इवन इसे स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं, अगर टीनेजर गर्ल है, कॉलेज गोइंग गर्ल है कोई, इवन बॉयज भी इसे यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, ये बॉयज के लिए भी काफी अच्छा है।
ये इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि स्पेशली स्पेशली फॉर गर्ल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे बॉयज भी यूज कर सकते हैं। इस ब्रांड का अगर मैं बात करूँ तो इस ब्रांड के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फूड क्रीम आपको मिल जाएंगे, लिप बाम मिल जाएंगे आपको, नेल क्रीम मिल जाएंगे, शैम्पू मिल जाएंगे, सोप मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। और ये मुझे गाइस पता है कब मिला था, ये मैं एक्चुअली जो भी स्क्रब यूज करती हूँ अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज करती हूँ। तो पहले मैं ये देखती हूँ मेरी स्किन के लिए क्या चीज़ बेस्ट है, वही मैं यूज करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन भी सेंसिटिव है, हर चीज़ मुझे सूट नहीं करती है, रेडनेस आ जाती है मेरी स्किन पे। तो इसी वजह से मैं जब ये केमिस्ट के शॉप पे मुझे ये चीज़ मिली थी और उन्होंने बोला ये काफ़ी अच्छा होगा, आप इसे यूज़ करिए, मैंने कहा यार मैं तो जानती भी नहीं ये क्या ब्रांड है कैसा ब्रांड है, मैंने कहा चलो ठीक है यार यूज़ करके देखती हूँ, नहीं पसंद आता तो बंद कर दूंगी मैं इसे। फिर मैं इसे यूज़ करना स्टार्ट की, पर गाइस बिलीव मी काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तभी तो 1.5 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, कंटिन्यू मैंने रखा है, और ये जल्दी मिलता भी नहीं है, बहुत ही ये केमिस्ट के शॉप पे ही मिलेगा जहाँ तक है, और सभी केमिस्ट वाले भी नहीं रखते हैं इसको। और अभी जब ये मेरा ख़त्म हो गया था दिवाली के टाइम पर मुझे लेना था, तो ना तो मुझे नायका पे मिल रहा था, पर्पल पे भी नहीं मिल रहा था, अमेजोन पे भी नहीं मिल रहा था, फिर मैंने क्या किया मतलब क्या क्या, मैं सोची कि अरे यार अब तो ये कहीं मिलेगा ही नहीं मुझे, मैं इसे कहाँ ढूंढूँ। तो मैं रिलायंस मार्ट गई हुई थी, तो वहां पे ऑफर चल रहा था, तो ये इसके मोव ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट वहां पे लगे थे जिसपे बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा था, तो मैंने वहां से स्क्रब और फेस वॉश ले लिया जिसपे बाय वन गेट वन का ऑफर था। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप यूज करके देखना, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आप कोई हर्बल में जाना चाहते हो तो ये बेस्ट होगा, ये बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। तो बस गाइस ये मेरा छोटा सा था रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं एक्सपीरियंस बेस्ड वाली चीजें यहाँ पे शेयर करूंगी, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था इस चीज पे। एंड गाइस अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग मुझे, और नहीं अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करके आप बता देना मुझे। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाली हूँ वैसे तो, और थोड़ा बहुत भी अगर लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सब। बाकी जाते जाते इतना ही कहूँगी कि बहुत सारा पानी पीना ताकि आपकी स्किन पूरी तरह से हाइड्रेट हो सके। बस गाइस ये था मेरा छोटा सा रिव्यू, फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई नई ब्यूटी टिप्स के साथ या कोई नए प्रोडक्ट के साथ। ओके बाय बाय।